चाचा तो भूख लग रही है यार। चल खाओ जाके। चल रोल खाएगा? हाँ रोल इज फाइन। चल 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 कुछ भी पासी আছে ওখানে চল। চল যাও, বেশি দূর যাব না। চল তাহলে চল চল। সাউথ কলকাতা ইদারি হ্যায়। চল চল পাশে আছে, সামনেই আছে। ডান ডান রোল খাইগা। 10 মিনিট। ঠিক আছে চল 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 চল। हेलो एंड वेलकम टू हैशटैग सेलिब्रेटिंग इंडिया, जहां हम लोग बात करते हैं इंडिया के ट्रीटी के बारे में, टेस्ट, ट्रैवल एंड ट्रेडिशन। आज हम लोग करने जा रहे हैं टेस्ट। क्या टेस्ट करने जा रहे हैं? रोल। और जिनको नहीं पता रोल क्या है, तो रोल इज अ डेलिकेसी जो आपको कोलकाता में बहुत अच्छा मिलेगा, और खासकर वेस्ट बंगाल में। आप नॉर्थ इंडिया में जैसे पराठा खाते हैं, वैसे इधर भी होता है। आप अगर एग रोल देते हो तो पराठे के साथ आपको अंडा मिलता है, वो अलग किस्म का होता है पूरा। एग रोल, चिकन रोल, बहुत सारे वैरायटीज होते हैं। आज हम लोग जो जा रहे हैं, ये कुछ स्पेशल रोल है। जिन लोगों ने आज तक एग रोल खाया है या फिर चिकन रोल खाया है, उनको पता लगेगा कि ये क्या स्पेशल है। तो बात ये है कि जो नॉर्मल रोल हम लोग खाते हैं, वो होता है करीब 6-7 इंच का होता है। मतलब ये अगर मेरा रिस्ट है तो रिस्ट तक आएगा नॉर्मल एग रोल। बट ये जो रोल है, दिस इज़ अ 20 इंच मेगा जम्बो रोल। आप कुछ भी नाम ले लो इसका, मेगा जम्बो रोल। और ये मिलता है सिर्फ शेफ अलादीन में। यही हम लोग आज कवर करने वाले हैं, क्योंकि इसका टेस्ट अलग है। और ये सिर्फ चिकन रोल ऐसा कुछ नहीं होता है, चिकन रोल, मटन रोल ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ मिक्स होता है इसमें। और उसके साथ आपको मिलता है पनीर, मिलता है चीज़, मिलता है बहुत कुछ मिलता है। जो भी मिलता है आपको दिखाएंगे आज।
Here you can see the shape of the 20-inch roll with the added ingredients. तो भी फिलहाल मिल गया हमें रोल, और रोल का साइज है कुछ ऐसा, दिखा दे भाई। यो मैन, ये स्टिल हम नॉर्मल रोल खाते हैं, हाथे ये लोग पूरी इंच रोल, 20-inch रोल। तो 20-inch रोल मतलब ये कुछ वर्ल्ड कप के साइज के जैसे ही है, वर्ल्ड कप भी इससे छोटा पड़ता होगा, बट व्हाटएवर इट इज, इसके खाने में कैसा है, खा के इसको कैसा लगता है ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। तो फिलहाल मुझे पता नहीं है इसको कैसे खाते हैं, दिस इज द होल थिंग, और बहुत कुछ गया आपने तो देखा ही है क्या क्या गया है इसमें, बट व्हाट वील डू इज, तीन लोग हैं यहाँ पे, तो वील ट्राई एंड कट इट एंड डिवाइड अकॉर्डिंगली। ओके लेट्स गो। रेडी? बट द थिंग इज, चीयर्स, अब चीयर्स है यार, चीयर्स। This is delicious beauty. We are uncovering the beauty. This is a thick bite. This is seriously out of the world taste. मतलब आप समझ सकते होंगे कि इतना सब कुछ अगर जाता है एक साथ तो इट इज बाउंड टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट इतना टेस्टी होगा हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, फ्रेंकली स्पीकिंग। वाओ, वन मोर थिंग, अगर आप फिटनेस फ्रीक है, हेल्थ फ्रीक है, प्लीज मत खाइए, अभी जिम भी बंद है। I can bet on this. ये जितना कैलोरी लेता है ना, पूरा महीने का कैलोरी फिल अप कर देगा ये। One. Okay, here's a pro tip. अगर आप इसको लेके बैठे हो, तो please get a drink. क्योंकि इसके बिना आपका गला सूख जाएगा, प्रॉब्लम हो सकती है, यू कैन इवन चोक, इतना बड़ा है, इतना स्टफ्ड है, इट्स टू डिलीशियस, आपको मन नहीं करेगा कि इसके सिवा और कुछ खाए, बट स्टिल फॉर योर सेफ्टी थोड़ा ध्यान में रखते हुए प्लीज गेट अ ड्रिंक, कोई भी ले लो, इधर पानी भी हो सकता है, बट स्टिल गेट अ ड्रिंक एटलीस्ट। भाई लंच में तीन रोटी खाने वाला बंदा ये कैसे खत्म करेगा? 10 seconds later. तो फाइनली आई एम बैक होम, और अभी टाइम है रिव्यू देने का। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, रोल बहुत ही लाजवाब था, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही, मतलब मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट टाइम कब इतना टेस्टी एक एग रोल, चिकन रोल, मटन रोल सब मिला के, या फिर कुछ भी, मतलब इट वॉज सो डिलीशियस, मुझे सच में याद नहीं है मैंने लास्ट टाइम कब इतना डिलीशियस एक रोल खाया था। सो अ बिग बिग थैंक यू टू शेफ अलादीन ये रोल बनाने के लिए। एंड द थिंग इज, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप जा रहे हो तो प्लीज़ 3-4 बंदे को साथ में लेके जाओ, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि इसको लंच में ख़त्म करेंगे, और लंच नहीं हो पाया, हम लोग इसको डिनर तक लेके गए, और डिनर में वही खा के सो रहे हैं अभी। तो थिंग इज़, हम लोग भुक्कर है, हम लोग
ऐसे बंदे हैं कि हम लोग दो दो प्लेट बिरयानी खा लेते बट फिर भी हमसे ख़त्म नहीं हो पाया, तो आप सोचो कितना मैसिव है ये चीज़। सेकेंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट इज टेस्ट फैक्टर में मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो इट्स लाइक 9 out of 10 फॉर मी। एंड द थिंग इज कभी भी आप इसको ले रहे हो तो इट्स अ ऑयली थिंग आई विल से, थोड़ा ऑयल कम होता तो मुझे और भी अच्छा लगता, बट नेवरदलेस द थिंग इज क्वाइट गुड। बट आप कभी भी इसको खा रहे हो तो साथ में कोई एक ड्रिंक, पानी हो, कुछ भी हो, वट एवर इज योर प्रेफरेंस, आप उसको लेके बैठो। दिस इज माई जेन्युइन एडवाइस टू यू गाइज। एंड द लास्ट थिंग इज एक चीज़ होता है ना हॉस्पिटैलिटी, मतलब आप कभी भी कहीं भी जा रहे हो, चाहे वो होटल हो या फिर कोई रेस्टोरेंट हो, मतलब कहीं भी विच इंक्लूड्स अ इंटरेक्शन, लाइक अब एक इंटरेक्शन की कस्टमर और ओनर के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। ऐसे कहीं भी आप जाते हो ना तो वो उनका जो बिहेवियर है वो बहुत मैटर करता है, और शेफ़ अलादीन में मुझे ये बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। इट्स नॉट बिकॉज कि हम लोग गए थे कैमरा लेके शूट करना है, ये रोल ऑर्डर किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमारे आसपास भी बहुत सारे कस्टमर्स थे, उनसे भी मतलब आई फॉरगॉट टू आस्क योर नेम, आई एम सॉरी, बट उन्होंने जितनी प्यार से बात की हमसे, उन्होंने उतनी प्यार से बाकी सबसे बात की, एंड इट रियली टच्ड माय हार्ट। ही वाज सो जॉली पर्सन। आई गिव अ वेरी थैंक यू एंड आई गिव अ वेरी बिग थम्स अप टू यू एंड योर एंटायर टीम, जिन्होंने ये पूरा चीज़ बनाया, जिन्होंने ये वीडियो शूट करने में मदद की। मतलब यू हैड टू रियली टेक ऑल योर मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जस्ट कि हमारा ये कन्वीनियंस हो कि हम लोग इसको शूट कर पाए। तो ये जो सपोर्ट है ये हर जगह नहीं मिलता है, तो दैट्स वाई आई एम गिविंग यू अ बिग थम्स अप एंड अ बिग थैंक यू कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया हमें ये वीडियो बनाने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग, आई होप यू लाइक इट, आई होप इट ब्रिंग्स वॉटर इन योर माउथ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड एक लास्ट पीजे बिफोर आई गो, अगर ईगल बीमार हो जाता है तो आप उसको क्या बोलोगे? थिंक, ये लास्ट दो पीस चिकन मैंने बचा के रखा है, मैं वो खत्म करता हूँ। Growing up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strummed that guitar every day. Found a passion for music, never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row. But soon enough, everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same. They try to take your future and make it real safe. You could be a doctor, accountant, or something sane. But yo, whatever happened to the sky was the limit. I fell in love with music. Never